हैदराबाद में कत्ल की वारदात में मुलव्वस अफराद मफरूर, तफसीलात के मुताबिक मकतूल की मौत छत से धक्का देने से हुई। हद हो गई, आप भी ना जल्दी पे पूरा का पूरा क्यों का कनस्तर डाल देते। पता नहीं पहले ताऊ जी की तबीयत खराब है और एहसास है किसी को सिवाय मेरे। वो अपना डॉक्टर साबर नहीं आया अभी तक। बस उस जोड़ी को तो घर से निकलने का मौका चाहिए होता है, पता है ना निम्मो संभाल लेगी, इतने सालों से जो संभाल रही हूँ। क्यों ताऊ जी? हाँ पुत्र, ऐसा कर जी, वो बुला जरा ये बिल्लू को। जी बुलाता हूँ जी। आप ख्याल रखें अपने ताऊ जी का हमेशा की तरह। हैं? बुलाता हूँ जी। ताऊ जी ठीक है ना? बुखार तो नहीं हो रहा, सर दर्द तो नहीं हो रही? नहीं पुत्री। काफी लाऊं बहुत सारी चाय लेकर आऊं? कोई चीज बताएं। ओ कली सवारी पाटिल वारी, चल अब्बा जी बुला रहे। इधर पता है आज शिफ्ट हुआ हूं। क्या हुआ भाईजान? सब ठीक तो है ना? बंटी की कॉल पे हम तो परेशान ही हो गए, भागे भागे पहुंचे हैं यहाँ। हाँ पाइन, मैं तो मामा जी को बिल्कुल ठीक छोड़ के गई थी, सब खैर तो है? ओ हौसला रखो यार, हॉर्स पावर। बंटी को तो आदत है प्याली में तूफान उठाने की, कोई मसला नहीं है। शुगर डाउन हो गई थी तो तबीयत बिगड़ गई थी, अब ठीक है। मैं जाती हूँ। चलो शुक्र है, वहाँ तो ठीक से चाय नहीं पीने दी, देखा नहीं था हाथ के हाथ प्याली रख दी मैंने तो। मैं तो साफ साफ कहे ना कि मामा जी को बाद में देख लेना, पहले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दो किचन की। काश मेरी बीवी भी इतनी समझदार होती तो मेरी जिंदगी जन्नत बन जाती यही। ओ भाई जान, बस दूर के धोली सुहाने होते हैं। चुप हुए, खबरदार मेरी पुप्पी जाल में इनको कुछ कहा तो। ओ इसी के कंधों पे तो घर चल रहा है सारा। ये अलग बात है कि मामा जी और निम्मो भाभी के अलावा ना सब ये बात मानते और जानते हो। शिबा और दिल पे ना लिया कर, देख कबूतर की एक आदत होती है कि वो बिल्ली को देख के ना आंखें बंद कर लेता है, सेफ्टी फील करता है। मैंने ना इस कबूतर की नगे चिमड़ा उड़ते दी किसी दिन। क्या करता है वो कबूतर की ना? साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रिकॉशन होती है, आप नहीं समझेंगे भाईजान। जान मेरी जान मेरी।